दोस्तों मेरा नाम है संदीप और लेके आ गया हूँ एक फ्रेश एपिसोड जिसके अंदर आपको बेस्ट अंडर 10,000 फोन में बताने वाला हूँ। और यकीन कीजिएगा इतने बेस्ट फोन आज तक जो है 10,000 की रेंज में अवेलेबल नहीं थे। ये बेस्ट एपिसोड है आज तक का अंडर 10,000 के लिए, क्योंकि सैमसंग इसके अंदर है, नोकिया इसके अंदर है, आसूस इसके अंदर है, रेडमी इसके अंदर है, रियलमी इसके अंदर है, और न जाने क्या क्या, मतलब ये तबाही एपिसोड है। और यकीन मानिएगा इसके अंदर आपको, अगर आपको बजट 10,000 का है ना दोस्तों, तो इसके अंदर आपको अपना फोन जरूर मिलने वाला है फॉर श्योर। सबसे पहले अगर मैं फोन की बात करता हूँ तो वो है Redmi का Note 7 जिसके अंदर आपको 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको मिलने वाला है, डॉट नॉच ये डिस्प्ले है, और इसके अंदर P2i कोटिंग भी करी हुई है दोस्तों की, अगर आपको थोड़ा वाटर स्प्लैश वगैरह पड़ता है ना तो वो भी आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। 2.5D का कर्व ग्लास इसमें मिलने वाला है, आगे और पीछे दोनों आपको ग्लास बॉडी मिलने वाली है जिसके अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन मिलने वाला है। Qualcomm Snapdragon का 660 का प्रोसेसर आपको मिलने वाला है जो कि 2.2 GHz की फ्रिक्वेंसी पे चलता है। साथ ही आपको Adreno का 512 का इसके अंदर GPU मिल जाएगा, तो PUBG वगैरह बड़े आराम से आप इसके अंदर खेल सकते हैं। 9,999 रुपए के अंदर आपको 3GB और 32GB वाला वेरिएंट इसके अंदर मिल जाएगा। और बात करते हैं अगर कैमरे की, तो रियर में आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है जो कि दोनों ही F2.2 के अपर्चर पे चलते हैं, और फ्रंट में सेल्फी के लिए आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है और साथ में क्विक चार्ज 4 का आपको सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जो आपको डब्बे में जो चार्जर मिलने वाला है वो 10W का चार्जर मिलने वाला है, लेकिन फास्ट चार्जिंग होने वाली है। सो अगर आपका बजट 10,000 का है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोन दैट इज अवेलेबल इन 10,000 बजट। बात करते हैं दूसरे फोन की जो कि 8,999 रुपए के अंदर मिलता है और तबाही फोन है इस रेट के अंदर, Realme 3। दोस्तों इसके अंदर आपको 6.2 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, HD प्लस ये डिस्प्ले है। साथ ही ग्रेडियंट डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, मतलब पीछे आपको 2 कलर्स की एक तरह से फिनिश देखने को मिलती है, काफी अच्छा और स्टाइलिश लुक लिए आपको दे देता है। Helio का P70 का इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.1 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, ये AI में काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देता है। तो परफॉर्मेंस वगैरह डेफिनेटली अगर बात करता हूँ Redmi Note 7 की और Realme 3 की काफ़ी नेक टू नेक चलती है। 4230 mAh की अंदर आपको बैटरी मिलने वाली है और 3GB और 32GB वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ जो 8,999 रुपये का आपको मिल जाता है। दोस्तों कैमरे की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलने वाला है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि फर्स्ट इन द सेगमेंट, मतलब इस सेगमेंट में ये पहला ऐसा फोन है जिसके अंदर F1.8 का अपार्चर आपको मिलता है, यानी कि 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल जो कैमरा है उसमें आपकी कमाल की पिक्चर्स आने वाली है और लो लाइट इमेजेस भी बहुत जबरदस्त आने वाली है। फ्रंट कैमरे की अगर बात करते हैं तो वो आपको 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, तो उससे भी आप अच्छी खासी सेल्फी जो है वो ले पाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो एंड्रॉयड 9 मतलब पाई आपको मिलने वाला है और OS का सपोर्ट मिलेगा। अच्छी बात यह है इसके अंदर कोई ऐड आपको देखने को नहीं मिलती है। MIUI जो है Redmi के फोन जो है उसमें आपको एड्स थोड़ी सी देखने को मिलती है, तो ये बिल्कुल एड फ्री प्लेटफॉर्म है, तो यहां पर आपको थोड़ी सी स्लाइटली एज इसके अंदर आपको मिलने वाली है। प्राइस जो है Redmi Note 7 से 1,000 रुपए कम है, तो ये भी एक तरह का एडवांटेज ही है। बात करते हैं अगले फोन की जो है नोकिया का 5.1 प्लस। अगर आप नोकिया फैन हैं तो 10,000 की रेंज में मतलब 8,999 रुपए का फोन आज की तारीख में मिल रहा है, इससे बेटर डील नहीं हो सकती है। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फोन के अंदर आपको मिल जाता है 5.8 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, मैं बात कर रहा हूँ 3GB रैम और 32GB वाले वेरिएंट के बारे में। कैमरे की अगर मैं बात करता हूँ तो 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का आपको AI पावर्ड कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी मिल जाती है। 3060 mAh की आपको बैटरी मिलने वाली है, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों मिलने वाले हैं। हाइब्रिड सिम स्लॉट है तो इसका ध्यान रखिएगा कि आप 2 SIM लगाने के बाद अलग से आप मेमोरी नहीं बढ़ा पाएंगे। और 3060 mAh की बैटरी थोड़ी सी कम है, लेकिन नोकिया बड़ी अच्छी से मतलब कि जो AI प्रोसेसर है उसकी तरह जो है काफ़ी कंपैटिबल है और बहुत अच्छी है, आपको आउटपुट निकाल के दे देता है। साथ ही आपको मिलता है USB-C का सपोर्ट, तो ये फास्ट चार्जिंग है और काफ़ी जल्दी आपका चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप हैं नोकिया फैन तो 8,999 रुपये के अंदर ये बेस्ट डील है, 5.1 प्लस नोकिया का आप ले सकते हैं। बिंदास जबरदस्त इसकी फोटोग्राफी है, मैंने खुद इसको यूज किया हुआ है, मैं जानता हूं कि फोन कितना स्टाइलिश लगता है, ग्लासी सा लुक है ये। तो एक नंबर फोन है नोकिया की तरफ से 10,000 की रेंज के अंदर। हम बात करते हैं अगले फोन के बारे में, तो अगला फोन जो है दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट फोन है और काफी टाइम से मतलब कि ये जमा हुआ है और जबरदस्त इसने पैर अपने जमा रखे हैं, आसूस का ZenFone Max Pro M2। मैं बात कर रहा हूँ 3GB रैम और 32GB वाले स्टोरेज के फोन के बारे में जो कि 9,999 रुपए का आपको मिल जाएगा। नॉच वाला डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है और 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ये फोन एक चलता फिरता पावर बैंक है, इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में स्नैपड्रैगन का 660 का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये फोन
बहुत ही दमदार जो है फ़ोन है, जिसके अंदर मैं अगर बात करता हूँ कि यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ कमाल धमाल है। कैमरा थोड़ा सा बिलो एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि अब जो फ़ोन आ चुके हैं उनके कैमरे काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, तो उस चीज़ में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी फ़ोन जो है वो बहुत ही अच्छा है, 2 दिन तो आपके बड़े आराम से निकाल देता है। बैटरी जो है इसकी 5000 mAh की है, तो बहुत ज़्यादा बैटरी है। और फ़ोन के बारे में मैं ज़्यादा तारीफ़ क्या करूँ दोस्तों, जितने भी लोग ये फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि फ़ोन वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोन है। तो हम मूव ऑन करते हैं अगले फ़ोन की तरफ, जो है सैमसंग का M10। और M10 में जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ वो है 3GB और 32GB वाला वेरिएंट, जो आपको 8,999 रुपये का मिल जाएगा। इस फ़ोन के अंदर आपको 6.2 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इन्फिनिटी वी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। 1.6 GHz का आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 7870 जो सैमसंग का खुद का एक्सिनोस प्रोसेसर होता है। काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी रहती है ना दोस्तों की, मतलब सैमसंग का खुद का फ़ोन है, खुद का प्रोसेसर है, तो बैटरी आउटपुट परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से काफ़ी इंप्रूव्ड हो जाती है। बात करते हैं इसके कैमरे की, तो 13 MP प्लस 5 MP का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है और 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि सैमसंग के कैमरे जो है वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, तो इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। 5 MP पे मत जाइएगा कि कम है, लेकिन सैमसंग के फ़ोन के कैमरे हमेशा से अच्छे रहते हैं। 3400 mAh की अंदर आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी और एंड्रॉयड पाई का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ड्यूल 4G को ये सपोर्ट करता है, जिस चीज़ के मेरे को जो कॉन्स मैं आपको बता दूँ, जिसको आपको ध्यान में रखना है कि इस फ़ोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है, सिर्फ फेस अनलॉक का फीचर आपको देखने को मिलेगा। और एक मैं आपको अपना सजेशन दे देता हूँ कि अगर आप 10,000 का बजट लेके चल रहे हैं और 999 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली M20 को एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है और 1,000 रुपये बजट बढ़ा सकते हैं, तो M20 की तरफ एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैं उसके बारे में डिटेल अपने अगले वीडियो में दे दूंगा, जो मैं बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 का जो वीडियो निकालूंगा। तो दोस्तों ये थे वो फ़ोन जो 10,000 की रेंज में कमाल धमाल मचा रहे हैं, और मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इससे बेस्ट फ़ोन आज की तारीख में 10,000 की रेंज में नहीं अवेलेबल है। सभी फ़ोन के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आपको कोई भी फ़ोन खरीदना हो तो सिंपल बस उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए और आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस वेबसाइट पे, जाके अपना फोन खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब का बटन है उसको रेड को कर दीजिए ग्रे, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं बहुत जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और डेली टेक वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।